तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मेरे दोस्त ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरिया जहान में। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं खेसारी लाल यादव और कल्लू की शादी के बारे में कि क्या खेसारी लाल यादव कल्लू जी के शादी में पहुंचे या नहीं पहुंचे, या कल्लू जी को खेसारी लाल यादव ने शादी का मुबारकबाद दिया या नहीं दिया। पूरा सबूत के साथ आपका भाई पूरा जानकारी आपको विस्तार रूप से इस वीडियो में बताएगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसी प्रकार के भोजपुरी इंडस्ट्री से महत्वपूर्ण खबरें आपका भाई आपके लिए हमेशा लाता रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानकारी। आप लोग को बता दें कि आप लोग तो सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार के वीडियो देख रहे होंगे कि कल हमारे भोजपुरी के स्टार अरविंद अकेला कल्लू जी का विवाह हो गया, लेकिन खेसारी फैंसों के दिमाग में एक बात को लेकर काफी हलचल मचा हुआ है कि क्या खेसारी लाल यादव भैया ने कल्लू जी को शादी का मुबारकबाद दिया या नहीं दिया। ये चीज बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको डिक्लेरिफाई कर दिया जाए और इसको साफ साफ बता दिया जाए कि क्या हुआ है। तो आप लोग को बता दें कि जितने भी लोग के दिमाग में यह कंफ्यूजन चल रहा है कि खेसारी लाल यादव ने कल्लू जी को शादी का मुबारकबाद दिया कि नहीं दिया, तो उन लोगों को बता दें कि खेसारी लाल यादव ने तो अभी तक कोई लाइव या कोई ऐसा वीडियो खेसारी टीम के द्वारा नहीं शेयर किया गया है जिसमें खेसारी लाल यादव कल्लू जी के मुबारकबाद देते नजर आए या खेसारी लाल यादव कल्लू जी की शादी में नजर आए। लेकिन एक चीज आप लोग को बता दें कि कुछ कुछ चीज होता है जो कि पर्सनल भी होता है, जो कि लोगों के सामने लोग नहीं दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग को बता दें कि कल्लू जी और खेसारी लाल यादव आज से कुछ दिन पहले लाइव आए थे। उस लाइव में आप लोगों ने सुना होगा कि कल्लू जी से जब खेसारी लाल यादव कुछ मजे लेने लगे थे, उनके शादी के बारे में पूछने लगे थे, तो कल्लू जी ने क्या बोला था कि भैया ये सब बात फोन पे कर लेवल जाए, ये सब बात पर्सनल में कर लेवल जाए। तो आप लोग को बता दें कि कल्लू जी को पर्सनल में यानी कि फोन पर खेसारी लाल यादव ने मुबारकबाद दे दिया है, भले ही कोई लाइव वीडियो या कोई सोशल मीडिया पर वीडियो नहीं शेयर किया गया है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के दिमाग से यह कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि खेसारी लाल यादव ने कल्लू जी को मुबारकबाद दिया कि नहीं दिया। तो चलिए अभी के लिए बस यही था खास जानकारी, मुझे लगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने इस वीडियो को बनाया। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं फिर नया वीडियो फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार दुलार बनाए रखें अपने दोस्त के चैनल भोजपुरिया जहान के साथ।